गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम क्लास 2 का इंग्लिश पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो यह है हमारा पहला लेसन, आई लव ऑल शाइनिंग थिंग्स, मुझे सभी चमकती चीज़ें पसंद है। आई लव ऑल शाइनिंग थिंग्स, द लवली मून, द सिल्वर स्टार्स एट नाइट, गोल्ड सन एट नून। मुझे सभी चमकती चीज़ें पसंद है, प्यारा प्यारा चांद, चांदी की तरह चमकते हुए तारे जो रातों को चमकते हैं, गोल्ड सन एट नून, दोपहर के समय जो सूरज का सुनहरा रंगत होता है वो सूरज, अ ग्लोइंग रेनबो इन अ स्टॉर्मी स्काई, आंधियों भरी तूफानी आकाश में चमकते हुए इंद्रधनुष, और ब्राइट क्लाउड्स हरिंग व्हेन द विंड गोज बाय, और वही चमकते हुए बादल जो हवा के साथ तेजी से जल्दी जल्दी भागते हुए नजर आते हैं। उसी तरह द ग्लिंटिंग विंग्स ऑफ बीज एंड बटरफ्लाइज, मधुमक्खियों और तितलियों के चमकते हुए पंख, माय परिंग पुसीज ग्रीन एंड शाइनिंग आईज, मेरी म्याओ म्याओ करती हुई पुसीज मतलब बिल्ली की हरी और चमकती हुई आँखें, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। तो बच्चों, इसमें पोएट ने जो टाइटल रखा है इसका कि आई लव ऑल शाइनिंग थिंग्स, तो इसमें पोएट ने क्लियरली किया है और कहा है कि उनको कौन कौन सी चमकती हुई चीज़ें पसंद हैं। इसमें आपने पढ़ा कि पोइट को, कवि को बहुत सारी चमकती हुई चीज़ें पसंद है जिनके बारे में भी आप लोगों ने सुना। अब इस पोएम के कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, अब आप इनको याद कर लेंगे किस वर्ड्स के क्या मीनिंग होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इस लेसन का वर्कशीट में क्या करना है। तो आइए देखते हैं। तो यह है हमारा वर्कशीट, इसमें प्रैक्टिस टाइम के तहत रीड एंड राइट, पढ़ना है और लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन पे ये टिक सही का चिन्ह लगाना है। सबसे पहले द पोएट लव्स ऑल ब्लैंक स्पेस थिंग्स, ब्लैंक स्पेस मीन्स खाली जगह, द पोएट लव्स ऑल खाली जगह थिंग्स। अब ये खाली जगह, ये जो खाली स्थान है, इसमें इन तीनों वर्ड्स में से कोई एक ही आएगा। तो बच्चे आप क्या बता सकते हैं इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा द पोएट लव्स ऑल शाइनिंग थिंग्स, तो हम यहाँ टिक करेंगे। शाइनिंग थिंग्स मीन्स यहाँ टिक करेंगे हम, चमकती हुई चीज़ें पोएट को पसंद है। क्वेश्चन नंबर टू, द ब्लैंक स्पेस इज गोल्डन, द खाली जगह इज गोल्डन। अब फिर हमारे पास तीन ऑप्शन है, मून सन अर्थ। तो गोल्डन क्या होता है? तो हमने पिछले पेज में पढ़ा कि द गोल्डन सन, तो मतलब यहाँ पे सन बढ़ा जाएगा, तो हम टिक करेंगे सन पे। तो क्वेश्चन नंबर टू का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, द ब्लैंक स्पेस इज ग्लोइंग इन अ स्टॉर्मी स्काई, द खाली जगह इज ग्लोइंग इन अ स्टॉर्मी स्काई, तूफानों भरी या आंधी वाली या मौसम जो बरसात का होता है उसमें आसमान में
क्या चमकता हुआ नज़र आता है। तो हम सब जानते हैं वो क्या होता है, आप बताएंगे, रेनबो, सन, मून। तो इसमें सही ऑप्शन होगा रेनबो, इंद्रधनुष जिसको कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, सही आंसर होगा रेनबो, तो यहाँ टिक करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें द पुसीज आईज आर, पुसीज मीन्स बिल्ली, वैसे तो कैट मीन्स भी बिल्ली होती है, लेकिन पुसीज मीन्स भी बिल्ली होती है। अक्सर जो बिल्लियाँ पालतू होती है उनको पुसीज कहा जाता है, प्यार से भी लोग उन्हें पुसीज कह के बुलाते हैं। द पुसीज आईज आर ब्लैंक स्पेस, द पुसीज आईज आर खाली स्थान, कैसा होता है, ग्रीन, रेड, ब्लैक। तो पोएम में हमने पढ़ा कि वो ग्रीन होता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए, तो हम ग्रीन में टिक करेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, वो है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं, विंड, शाइनिंग, बटरफ्लाइज, पडिंग, स्टॉर्मी, इन 5 वर्ड्स से इन 5 क्वेश्चंस को भरना है, और किस में कौन सा वर्ड आएगा ये आपको जज करना है, आपको चुनना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आई लव ऑल ब्लैंक स्पेस थिंग्स, तो ऑफ कोर्स इसमें होगा शाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 2, अ ग्लोइंग रेनबो इन अ ब्लैंक स्पेस स्काई, क्या आना चाहिए, तो ग्लोइंग रेनबो मीन्स पीछे हमने पढ़ा वो है स्टॉर्मी स्काई, तो यहाँ पे हम स्टॉर्मी भरेंगे, क्या भरेंगे, स्टॉर्मी स्काई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ब्राइट क्लाउड्स हरिंग व्हेन द ब्लैंक स्पेस गोज बाय, तो यहाँ पे हमने पिछले पढ़ा पोएम में जो हमने पढ़ा कि ब्राइट क्लाउड्स हरिंग व्हेन द विंड, हवा, विंड गोज बाय, तो यहाँ पे विंड आएगा, इसका सही क्वेश्चन नंबर 3 में सही वर्ड जो बढ़ाएगा वो है विंड, यहाँ विंड भरेंगे विंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द ग्लिंटिंग विंग्स ऑफ बीज एंड, क्या पढ़े थे हम इसमें, आप देखिए हमने वहाँ पढ़ा था बीज के साथ बटरफ्लाई, द ग्लिंटिंग विंग्स ऑफ बीज एंड बटरफ्लाइज, तो यहाँ पे बटरफ्लाइज तितलियाँ बढ़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो है माई ब्लैंक स्पेस पुसीज ग्रीन एंड शाइनिंग आईज, आपने देख लिया होगा कि विंड आपने भर दिया है, शाइनिंग आपने भर दिया है, बटरफ्लाइज आपने भर दिया है, स्टॉर्मी भी हो गया है, तो बचा क्या, पडिंग, तो यहाँ पे माई पडिंग पुसीज ग्रीन एंड शाइनिंग आईज, पडिंग कहते हैं बिल्ली जो म्याऊं म्याऊं करती है उस आवाज़ को हम पडिंग कहते हैं, तो यहाँ पे पडिंग भराएगा। ओके, तो हमने 2 क्वेश्चन वर्कशीट के अंदर कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको लिख करके देने हैं, तो इसके लिए यहाँ पे जो रिटन फॉर्म में इनके आंसर हैं यहाँ देख लीजिए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे, व्हाट शाइनिंग थिंग्स डज द चाइल्ड लव इन द स्काई, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है द चाइल्ड लव द सन, द मून, द स्टार्स एंड द रेनबो विच आर शाइनिंग इन द स्काई। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर इज द ग्लोइंग रेनबो, आंसर होगा द ग्लोइंग रेनबो इज इन द स्काई। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर द विंग्स ऑफ बीज एंड बटरफ्लाइज, तो आंसर होगा द विंग्स ऑफ बीज एंड बटरफ्लाइज आर ग्लिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर द आईज ऑफ पुसी, आंसर है द पुसीज आईज आर ग्रीन एंड शाइनिंग। ठीक है बच्चों,
इसको आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। अब यहाँ पे हम वोकैबुलरी टेस्ट, जिसको हम शब्द अभ्यास कहते हैं, उसको देखेंगे। इसमें है मेक सेंटेंसेस, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है। तो अब जैसे यहाँ पे शाइनिंग है, तो शाइनिंग मीन्स चमकता हुआ, लवली प्यारा, सिल्वर चांदी या चांदी के रंग का, ग्लोइंग चमकता हुआ, स्टॉर्मी तूफानी, आंधी हो बड़ा। तो अब इसको हम अपने वाक्य में, अपने एक सेंटेंस में इसको यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब जैसे एक वर्ड का हम बना देते हैं, बाकी आप बनाइएगा। लवली, तो जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आई हैव अ लवली पेन, मेरे पास एक बहुत ही प्यारा पेन है, एक सेंटेंस हमने बना दिया। इसी तरह आप जो है शाइनिंग, सिल्वर, ग्लोइंग, स्टॉर्मी का खुद से सेंटेंस बनाएंगे या अपने घर में किसी से हेल्प ले लेंगे। दूसरा है आगे इस पेज पे ग्रामर प्रैक्टिस, व्याकरण का अभ्यास। शब्द अभ्यास के बाद हम व्याकरण का अभ्यास करते हैं, ग्रामर का प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्या है, राइट द प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग। प्लूरल मीन्स होता है अनेक, सिंगुलर मीन्स होता है एक। तो हम यहाँ पे प्लूरल बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे पेन है, तो पेन का प्लूरल क्या होगा, पेन्स, ऐसे लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा पेन्स। तो इसी तरह सम में हम एस लगा करके प्लूरल बना देंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे है फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। तो ये अभी आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, भरना है इसको कैसे, वो देख लें। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट वेयर यू कीप दीज थिंग्स, आप इन चीज़ों को रखते कहाँ है। ठीक है, चित्रों को देखिए एवं लिखिए कि इन वस्तुओं को कहाँ रखते हैं। वी कीप फ्रूट्स इन अ बास्केट, सिंपल सी बात है, उसी तरह हम इसको देख करके जो है भर सकते हैं आगे, है ना। वी कीप वाटर इन अ जग, इस तरह से हम भर सकते हैं आगे। जो है यहाँ पर दिया हुआ है नीचे क्वेश्चन नंबर टू में कि फिल इन द कलर्स ऑफ योर चॉइस, यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे स्टार्स है, अपने पसंदीदा रंग को यहाँ पे भर सकते हैं। बस बच्चों, तो आज का ये पहला लेसन आपके इंग्लिश का यहीं पे एंड करता है। थैंक यू।